देव क्लासेस में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि गणित में प्रयोग होने वाले सांकेतिक चिन्ह कितने होते हैं और कैसे होते हैं। तो आप ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसको मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको नोट करना है। इसको आप वीडियो को पुश करके जितनी भी चीज़ें दी गई हैं उन चीज़ों को आप नोट करिए, जैसे गुणा का चिन्ह, जोड़ के चिन्ह, बराबर के चिन्ह, चूंकि के चिन्ह, बड़ा का चिन्ह, कोण का चिन्ह, प्रतिशत का चिन्ह, फाई के चिन्ह, रिक्त समुच्चय के चिन्ह, घटाना का, भाग का, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। लंब हो गया, समांतर हो गया, त्रिभुज हो गया, सिग्मा हो गया, सर्वमान हो गया, सर्वनिष्ठ हो गया, तुल्य हो गया, लैम्डा हो गया, ये सारे चिन्हों को आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको नोट कर लीजिए, ये आपके गणित में, फिजिक्स में ये सारी जगह प्रयोग होंगे। और चलते हैं आगे, देखिए ये सारे रिक्त समुच्चय, सम्मिलन, गामा, बीटा, थीटा, डेल्टा, अनुपात, किरण, ये सारी चीज़ें नोट करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। देखिए है आपका वर्गमूल किसे कैसे लिखते हैं, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, फीट क्या होता है, घनमूल क्या होता है, ओब्लिक क्या होता है, ये सब चीज़ें देखिए सूत्रों के माध्यम से। ये देखिए समुच्चय वगैरह आ गए आपके वृत्त की, उसमें आ गए ओम के नियम, संकेत आ गए, ये देखिए इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप और बाद में नोट कर लीजिएगा। पाई के मान 22/7 होता है। इसके देखिए इंटीग्रल जिसको हम लोग समानुपात कहते हैं, बारंबारता का चिन्ह क्या है, डॉलर का क्या है, तौल क्या होती है, 10 मिलीग्राम, 10 डेसीग्राम, 10 किलोग्राम, ये सब क्या होते हैं, इनको नोट कर लीजिए आप। द्रव पदार्थों को मापने की इकाई जो होती हैं उनको नोट कर लीजिए, किन किन चीज़ों में द्रवों को नापा जा सकता है। अगला देखिए लंबाई के पैमाने हैं, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, इंच, फुट, इंच, मील, सेंटीमीटर, मीटर, हेक्टोमीटर, गज, मीटर, चैन, ये आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ और भी हैं, देखिए भारतीय मुद्राएं हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 8 आना में कितने पैसे होते हैं, 4 आना में कितने होते हैं, ऊपर इसके देखिए वर्ग, फिट, फिट लंबा, कट्टा, घूर, ये सब सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अगला है समय, 60 सेकेंड में 1 मिनट, 60 मिनट में 1 घंटा, 24 घंटा में 1 दिन, 7 दिन में 1 सप्ताह, 15 दिन का 1 पक्ष और 12 महीने का 1 वर्ष। अंग्रेजी महीनों का नाम नोट कर लीजिए अगर ना आते हों। और सबसे लास्ट है रोमन पद्धति में संख्या लेखन सीख लीजिए। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें समझाने की नहीं थी, केवल नोट डाउन करने की और उनको याद रखने की है। तो आप इन चीज़ों को एक बार चेक करिएगा, लिखिएगा, और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई या कोई पहचान अभी भी रह गया है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, हम उसको नाम बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद आपका, आप अपने सभी दोस्तों को शेयर भी करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सपोर्ट करें। धन्यवाद।